हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में डिस्कस करने की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पेपर के पहले 10 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया था। उस वीडियो के बाद मेरे पास आपकी कुछ सजेशंस आई, जिसमें था कि आप वीडियो में पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ दिखा दिया करो, ताजो हम पहले खुद से उसका आंसर ढूंढ सकें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो, हमारी दूसरी वीडियो, आपकी सजेशंस का वेलकम करते हुए बनाई गई है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उसके पहले, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताजो मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास तुरंत आ सके। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जो 11th क्वेश्चन है, वो है अग्ना सूत्रा। अग्ना सूत्रा किससे डील करता है? तो दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन थी, जिसमें हमारे पास था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्टस, ओरिजिन ऑफ सेकुलरिज्म, ओरिजिन ऑफ सिक्स फोल्ड पॉलिसी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्टस के साथ जो अग्ना सूत्र है वो डील करता है। तो दोस्तों, ये भी जो अग्ना सूत्र है वो है क्या है? अग्ना सूत्र जो है वो हमारे पास 27th सूत्र है दिघा न्याक्का की कलेक्शन का, और इस सूत्र में हमारे पास डिस्क्राइब किया गया था जो डिस्कोर्स बुद्धा का ब्राह्मिन्स के साथ और भारद्वाज के साथ और वास्था के साथ था, जिसमें वो अपनी फैमिली को छोड़कर और कास्ट को छोड़कर मॉन्क बनने के रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन, जिसमें था कि हु डिफाइंड लीडरशिप एज, लीडरशिप को कौन ऐसे डिफाइन करता है कि द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू रिड्यूस सबॉर्डिनेट्स, कि मैनेजर की एबिलिटी है सबॉर्डिनेट्स को इंड्यूस करने की टू वर्क विद जील एंड कॉन्फिडेंस के साथ काम करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन थी, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर था क्रूड्स एंड ओडोनवेल। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में था चेस्टर बर्नार्ड, जो कि फेमस हैं ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम बताने में। वो ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम मानते हैं कि सोशल सिस्टम के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। लेकिन उसके बाद हमारे पास था एम पी फॉलेट जो है वो फेमस है अपने सर्कुलर रिस्पॉन्स के प्रिंसिपल के तौर पर। इसके बाद हमारे पास दोस्तों 13th क्वेश्चन था जो कि मैचिंग था। मैचिंग में हमारे पास मैचिंग्स थे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी। तो दोस्तों, इसके मेंबर्स के नंबर के साथ हमने इसे मैच करना था। दोस्तों, जो मैचिंग्स होते हैं उनमें आप अच्छे से आंसर ढूंढ सकते हैं, अगर आपको एक भी मैचिंग्स का आपको अच्छे से मालूम है। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर आपको ए नंबर जो मैचिंग है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, उसके नंबर के बारे में मालूम होता कि उसमें कितनी कंट्रीज़ मेंबर हैं, उसमें हमारे पास 15 कंट्रीज़ मेंबर हैं, अगर आपको इसके बारे में पता होता, जहाँ आपको इसके बारे में पता होता थर्ड वाली ऑप्शन जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, कि इसके मेंबर कितने हैं, इसके मेंबर हमारे पास 12 है, अगर इनमें से एक के बारे में भी आपको मालूम होता, दो के बारे में ना भी मालूम होता, तो भी आप अच्छे से इसका आंसर ए लगाकर आ सकते थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, अभी हम इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, और इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहली ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसे हम ECO, ECOWAS, WAS भी बोलते हैं। इसके दोस्तों टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 15। इसका हेडक्वार्टर है अबूजा नाइजीरिया में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 28 मई 1975 को ट्रीटी ऑफ लोगोस के साथ। ट्रीटी ऑफ लोगोस के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ लोगोस के साथ जब 1975 में ट्रीटी ऑफ लोगोस साइन की गई,
तभी इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी स्टैक SADC। तो दोस्तों इसके जो मेंबर कंट्रीज मेंबर हैं उनकी गिनती है 16। इसका हेडक्वार्टर है गैबोरोने बोट्सवाना में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो पहले इसका नाम था वो था साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। इसको 1 अप्रैल 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन दोस्तों इसका नाम दोबारा से चेंज कर रखा गया साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, जो कि 17 अप्रैल 1992 में होंद में आई। इसके अलावा दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वे ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स। तो दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स की जो कम्युनिटी है इसमें हमारे पास 11 कंट्रीज मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है लिब्रेविले गैबोन में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, जो कि ब्रेजेविले ट्रिटी में किया गया था। ब्रेजेविले ट्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी मानी जाती है, जो कि 1964 को साइन की गई थी, तभी इस ऑर्गेनाइजेशन का साइन इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे पास फोर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी EAC। एस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी दोस्तों इसके मेंबर कंट्रीज हैं 6। इसका हेडक्वार्टर था अरूसा में और इसको इस्टेब्लिश पहली बार जो किया गया था वो था 1967 में, और बाद में इसे 10 साल के बाद 1977 में डिसॉल्व कर दिया गया था। इसके बाद इसको दोबारा से री इस्टेब्लिश किया गया 7 जुलाई 2000 में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 14th क्वेश्चन है कि जीए आलमंड को कंपैरेटिवली जीए आलमंड जो हैं वो होमोजेनियस कल्चर कहाँ पे फाउंड करते हैं, किस कंट्रीज़ में फाउंड करते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्री में जीए आलमंड जो हैं वो होमोजेनियस कल्चर, मतलब एक ही तरह के कल्चर की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मैचिंग का एक और क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास राइटर और उनकी बुक्स के बारे में दिया गया था। इसमें हमारे पास जो मैचिंग थे उसमें भी पिछली मैचिंग की तरह ही था कि अगर आपको एक के बारे में पता है, जैसे कि पाउल एप्पलबाई की किताब के बारे में आपको मालूम है कि कौन सी है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते थे, आपको बाकी की ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि पाउल एप्पलबाई की किताब जो है वो है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो थर्ड को मैच करना था ए के साथ, तो थर्ड ए के साथ एक ही ऑप्शन में मिलता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन था बी। दोस्तों इसके बाद हम इन राइटर्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेंगे कि कौन सी और इन राइटर्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, ताँ जो आपको एक ऑप्शन में मिलती है तो भी आप उसका आंसर ठीक से लगा सके। पाउल एप्पलबाई की किताबें हैं सबसे पहले पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1945 में लिखी गई थी, बिग डेमोक्रेसी जो कि 1945 में लिखी गई थी, और थर्ड जो हमारी ऑप्शन में किताब थी वो है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका पूरा नाम है दोस्तों, कई बार पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमारे इस पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन करके बुक थी, उसका पूरा नाम पूछा गया था, तो आपको पूरा नाम याद रखना है। इसको लिखा गया था 1952 में। इसके अलावा उसकी पाउल एप्पलबाई की किताब थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट, जो कि 1961 में लिखी गई थी। इसके अलावा चौथी जो पांचवी जो उसकी किताब है वो है सिटीजन्स एज सॉवरन्स, जो कि 1962 में लिखी गई थी। दोस्तों इसके अलावा ड्वाइट वाल्दो की जो किताबें हैं वो है आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1953 में लिखी गई थी। इसके अलावा उसकी किताब थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955। इसके अलावा थर्ड जो बुक थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पेपर में पूछी जाती है, जिसका ईयर था 1949। थर्ड जो राइटर था हमारे पास वो था WF विलोबी, इसकी इम्पॉर्टेंट बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1910
27, प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन 1929, और लास्ट जो हमारे पास राइटर था वो था जॉन एम घॉस और एल डी वाइट एंड एम ई डीमॉक, जिनकी इंपॉर्टेंट किताब थी द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1953। तो दोस्तों इससे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन के पास, जो है इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्स द किंगडम किंगहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मासेकर, कब किया था उन्होंने ये। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1919, जिसमें उन्होंने 13 अप्रैल विसाखी के दिन 13 अप्रैल को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किंगडम को जलियांवाला बाग मासेकर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है वो शुरू किया था 1919 में। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 17th क्वेश्चन था, विच इंसिडेंट मेड पेरियर एन अथीस्ट, पेरियर को किस इंसिडेंट ने अथीस्ट बनाया, कि भगवान में विश्वास ना करने वाला बनाया। तो इसमें दोस्तों हमारे पास कई ऑप्शन थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी, काशी पिलग्रिम इंसिडेंट था, द्रविड़ा नेशनल मूवमेंट थी, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी थी। दोस्तों पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये चारों इंसिडेंट पेरियर के साथ मैच करते हैं। अगर अगली बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किस राइटर की है, तो आप पेरियर का आंसर लगा सकते हो। इसका राइट आंसर था काशी पिलग्रिम इंसिडेंट ने पेरियर को अथीस्ट बनाया था। लेकिन दोस्तों उसके अलावा हमारे पास दो और जो ऑप्शन में थे वो था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो साउथ एशियन मूवमेंट थी, जिसका एम था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड कास्टेस हैं, उनको इक्वल ह्यूमन राइट्स देने और उनको इनक्रेज करना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो इसको फाउंड किया गया था 1925 में बाय रामानाथन। रामानाथन ने भी इसे रामास्वामी के साथ मिलकर ही किया था, इसीलिए हम इसे रामास्वामी के द्वारा शुरू किया गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी मान लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा था काशी पिलग्रिम इंसिडेंट, जो कि 1904 में किया गया था ईवी रामास्वामी के द्वारा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास 18 क्वेश्चन था, थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलग्री ऑफ केव इज रिलेटेड विद, थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलग्री ऑफ केव किसके साथ रिलेटेड था। दोस्तों इसका राइट आंसर था प्लेटो। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जिस सिद्धांत की वर्तो की थी उसे हम बोलते हैं एलग्री ऑफ द केव। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 19th क्वेश्चन था, एक अजर्शन और रिजनिक का क्वेश्चन। इसमें हमारे पास था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24th October 1945। ये बिल्कुल ठीक है। इसके पास हमारा रीज़न था कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। क्या इसका ऑब्जेक्टिव संसार में शांति और सिक्योरिटी सुरक्षा को देना था? यस दोस्तों ये दोनों बिल्कुल ठीक है, और एक और दूसरे की करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हमारे पास इसका बी राइट आंसर बनता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ए। नेक्स्ट हमारे पास था दोस्तों, इसके बाद हम यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो आज के टाइम में एंटोनियो गटरेस है, और इसे दोस्तों जो एंटोनियो गटरेस है इसके सिक्योरिटी जनरल को हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो टर्म है, यूनाइटेड नेशन नेम है जो उसको क्वाइन किया था, उसको दिया किसने था? यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। कहाँ दिया गया था? यूएनओ की ही एक डिक्लेरेशन में, जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी तो 1 जनवरी 1942 में जो रूजवेल्ट है उन्होंने यूनाइटेड नेशन नाम दिया था। इसमें आज के टाइम दोस्तों 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 20th क्वेश्चन था कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसके बारे में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पब्लिक पॉलिसीज हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज हेल्प मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट्स बेसिक पर्पस इज टू सर्व इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक पॉलिसी एम्स एंड
एट शेपिंग द सोसाइटी फॉर इट्स बेटरमेंट। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन थी सी, जिसके आधार पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनता था कि पब्लिक पॉलिसीज हेल्प करती है अचीव करने में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और इसके साथ सेकेंड था कि पब्लिक पॉलिसीज हेल्प करती हैं मेंटेन करने के लिए नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को, और लास्ट में फोर्थ जो इसका आंसर बनता था वो था पब्लिक पॉलिसी एम, उसका एम क्या है कि शेप करना सोसाइटी को इसकी बेटरमेंट के वास्ते। तो दोस्तों ये थे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जिसको हमने पूरे बैकवर्ड बैक से देखा है और अच्छे से एक्सप्लोर किया है। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पे करवाए जाने वाला काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए ताजो आप मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास तुरंत आ सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।